जम्मू कश्मीर के अन्य हिस्सों की तरह शुक्रवार को उधमपुर में भी कोविड 19 वैक्सीन का ड्राई रन करके टीकाकरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और जिला टीकाकरण अधिकारियों की निगरानी में ड्राई रन किया गया। अस्पताल में 25 लोगों पर टीकाकरण का ट्रायल किया गया। आज हमारे यहाँ जैसे पूरे वर्ल्ड इंडिया में हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में आज एक प्रोसेस हो रही है, एक मॉक ड्रिल हो रहा है जिसे हम ड्राई रन से जानते हैं। ये एक वैक्सीनेशन जो कोविड चल रहा था उसको वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमने एक सेटअप बनाया, एक प्रोटोकॉल बनाया। उस प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो किया जाए, कैसे ए टू जेड हम वो सारा करके कि एक जो बेनिफिशरी है उसको पूरा फ़ायदा हो, पूरे तरीके से निकले। तो एक ये हमारे पास एक आया कि वो हमारे एक वो हमने मॉक ड्रिल की है जिसमें हमें 3 रूम्स की ज़रूरत थी। हमें एक हमारा पहले तो हमारा वैक्सीनेशन रूम, रजिस्ट्रेशन रूम, फिर वैक्सीनेशन रूम या ऑब्जर्वेशन रूम है। तो इसमें हमारे एक तो डॉक्टर्स, हमने एक टीम बनाई थी डॉक्टर्स की और स्टाफ की और जो वैक्सीनेटर्स की है, जो ऑलरेडी इनमें ऑलरेडी ट्रेंड किए गए थे, जिनको ये प्रोसेस करना है। क्योंकि ये प्रोसेस यहाँ तक नहीं रुकनी, आगे भी चलाना, आगे हमें इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है। जब ओरिजिनल वैक्सीन आएगा, जब हमें लोगों को लगाना है और जो हमारे बेनिफिशियरी उनको लगाना है, उस टाइम के लिए हमें क्या कैसे काम करना है, कैसे कैसे प्रोसेस से जाना। क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, हमें कोविन पर जाना पड़ता है, हमें एक अपलोड पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है, फिर उसके फॉलो करना पड़ता है। सो ये प्रक्रिया आज हमने की और ये सक्सेसफुल रही। हमारे ADC सर आए थे, उन्होंने और हमारे CMO सर आए थे, तो हम लोगों ने उनके देख देख के उनके सुपरविजन में ये सारा।